फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स क्यों बनाए जाते हैं, कब यूज करना है, क्या आप इनको रेगुलर कॉन्डम की तरह यूज कर सकते हैं, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स क्या एक्चुअली फ्लेवर देते हैं, क्या आपका पार्टनर आप इसे यूज करेंगे बेनिफिट करेगा, क्या ये प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करते हैं, आप सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं, पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो में सेक्स से जुड़ी सही जानकारी, भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप भी फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, या कर चुके हैं या करना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी है। मुझे पता है आप देखने वाले हैं, बने रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। लाइक शेयर दिस वीडियो टू योर पार्टनर, टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को अगर यूज करते हैं तो क्या उसके इफेक्ट्स हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और क्या ये प्रेगनेंसी से बचाते भी हैं, सबके बारे में बात करूंगी। तो चलिए, मैं बात कर रही थी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। जैसे मार्केट में बहुत सारे लेटेक्स कॉन्डम्स मिलते हैं, जैसे हम रेगुलर कॉन्डम्स की बात करें, वैसे ही आजकल फ्लेवर्ड कॉन्डम्स भी आने लगे हैं। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आजकल किस फ्लेवर में नहीं आते, फ्रॉम योर व्रत कॉन्डम्स टू योर स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ब्लैकबेरी, ब्लैक करंट, हर तरह के फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। सिर्फ इसलिए ताकि वो आपके पार्टनर के माइंड में उनके कहीं ना कहीं एक जैसे बोलते हैं ना, किंक क्रिएट कर दे, एक प्लेजर क्रिएट कर दे, एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर दे, दैट वाओ। बट फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर बेसिकली, अंडरलाइन कर लें, आर बेसिकली फॉर ओरल सेक्स। ये सिर्फ ओरल सेक्स के लिए ही बने हुए होते हैं। हाँ, अगर आप इन्हें वजाइनल या फिर एनल सेक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं उनके अंदर ल्यूब्रिकेशन, या जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्डम के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है फ्लेवर की, वो फ्लेवर एक्चुअली जब कोई ओरल सेक्स कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या जब आपकी पार्टनर आपको ओरल कर रही है ऐसे में उसे स्मेली ना लगे या ऑकवर्ड ना लगे, तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि फ्लेवर के ओरिएंटेशन में वो आपको ज़्यादा प्लेजर दे सके। कॉन्डम्स आर एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, बैरियर है, मतलब एक रोक लगाई गई है आपके पेनिस के ऊपर, ताकि जो आपका डिस्चार्ज है या जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में ना जाए और प्रेगनेंसी ना हो। ऐसे में फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के ऊपर जो वो ल्यूब्रिकेशन लगा हुआ है वो फ्लेवर का है। ऐसे में अगर आप उसे एनल या वजाइनल सेक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। और एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर आप वही ओरल के लिए कॉन्डम यूज कर रहे हैं, वही एनल के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर एक्चुअली बॉडी से प्रॉब्लम या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी जो बड़ी चीज आपको समझने की जरूरत है कि रेगुलर कॉन्डम्स का फेलियर रेट बहुत कम होता है, मैक्सिमम 9-10%, लेकिन फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का फेलियर रेट, अगर आप इसे फेलियर मतलब एक्चुअली बच्चा होने के चांसेस, वो थोड़ा सा रेगुलर कॉन्डम से ज्यादा है, 18-20%। तो अगर आपको लगता है कि मैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को वजाइनल एरिया में यूज कर लूं और बच्चा नहीं होगा तो उसके चांसेस कंपैरेटिवली कम है, तो उसके लिए आप रेगुलर कॉन्डम ही यूज करें। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स बेसिकली ओरल सेक्स को बेटर, बेहतरीन और लंबे समय तक इंजॉय करने के लिए होता है। अब जो मैं एक नया कंसेप्ट यहाँ लेकर आ रही हूँ कि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के साथ अगर आप कोई ल्यूब यूज करें, मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारे ल्यूब्स या ल्यूब्रिकेशंस हैं जो कि आप अपने रेगुलर कॉन्डम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कई लोग नहीं चाहते कि वो फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज करें और वैसे ही ब्लो जॉब करना चाहते हैं, ऐसे में मार्केट में ऐसे ल्यूब्स अवेलेबल हैं जो कि उस एरिया के आसपास अगर आप लगाएंगे तो वो एक फ्लेवर की तरह काम करेगा और वो अल्टीमेटली विदाउट कॉन्डम आपको प्लेजर दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को लेके श्योर नहीं हैं, क्योंकि एसटीआई
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आपके मुंह से, आपके वजाइना से भी ट्रांसफर होते हैं। ऐसे में फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर द बेस्ट चॉइस इफ यू हैव इंटरेस्ट इन व्हाट ओरल सेक्स। अगर आपको ओरल सेक्स करवाना या करना पसंद है तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर बेटर चॉइसेस एज कंपेयर टू फ्लेवर्ड ल्यूब्स। वो भी अच्छा ऑप्शन है अगर आप उसे रेगुलर कॉन्डम के ऊपर या साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आपके सेक्स लाइफ को बेहतर और रंगीन बनाने का एक बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन अगर आप उसे रेगुलर कॉन्डम के एक्सचेंज में यूज कर रहे हैं कि अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ वो तो इतने रुपए का आ रहा है, ये महंगा आ रहा है, एक ही ले लेता हूँ, ऐसा आपने नहीं करना है। फ्लेवर्स की जानकारी, कई क्लाइंट्स जो कहते हैं कौन सा यूज करूँ, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड को पसंद आएगा, एक्चुअली ये पर्सनल चॉइस है, किसी को क्या फ्लेवर पसंद है आप डेफिनेटली उनसे खुल के पूछ सकते हैं कि दे एंजॉय इट, विच पर्टिकुलर फ्लेवर दे लाइक। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करना है, इंजॉय करना है, तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं, और साइड इफेक्ट्स के नाम पर सिर्फ इरिटेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, रेस्ट देयर इज नथिंग टू वरी। ये आपको एसटीआई से बचाता है या आपको और भी तरीके के प्लेजर से कंट्रोल करता है। आने वाली वीडियो में बात करने वाली हूँ कि फीमेल को अगर आपने ओरल देना हो तो किस तरह के प्रिकॉशंस को यूज किया जाना चाहिए, और उनके लिए भी क्या कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, डेंटल डैम्स क्या होते हैं, उस पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत जल्दी एक और वीडियो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बात करूं तो उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ने के लिए डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, और हमारे जो दो नए चैनल हैं साइकोलॉजी सीखो एंड लवोलॉजी सीखो, दोनों को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।